फरहान, 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 फरहान। क्या हुआ अम्मी? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ अम्मी? क्या हुआ अम्मी? अम्मी क्या हुआ? अम्मी शायद आपने नींद को बुरा ख्वाब देख लिया। तुम जल्दी से पानी लेकर आओ अम्मी के लिए। क्या हुआ? कैसे कैसे अम्मी? अम्मी कैसे? और नहीं बोला सा नहीं, वो पहले जुगनू होती थी ना आपके साथ, ऊपर वाले पोर्शन में थी ना, तो अम्मी ये पानी पी, पानी पी। अरे मैं कोई डर लागे जाए तो मैं उसके उछड़ने से पहले जहर खा लूं। फरहान हम कहीं के नहीं रहे, जुगनू उजड़ गई, बर्बाद हो गई। अरे फरहान हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? अम्मी क्या कह रही हैं आप? जुगनू बिल्कुल ठीक है अपने घर में, उसके सर से छत हट गई है, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई, उजड़ गई। क्या हुआ, क्या है जुगनू को? फरहान मेरी बच्ची बेवा हो गई। उसका साथी चला गया, गोरा मर गया। परसों जिस तरह वो आपके सामने आई, आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थी, सफाई अगर आपने उससे बात नहीं की तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी और सारा इल्जाम उसकी मौत का सिर्फ आपके ऊपर आएगा। मैं सबको सच सच बता दूंगी कि आखिरी बार आप उससे मिले थे। तुम्हें अपने शोहर की बात पे यकीन नहीं है? एक रात चलती अजनबी की फजूल बातों पे भरोसा करके बैठ गई हो तुम। थक गया हूं मैं, थक गया हूं तुम्हें सफाइयां पेश कर करके हर दिन हर वक्त। किस तरह यकीन दिलाऊं तुम्हें? नहीं करना एतबार मेरा, मत कर। I don't care। तुम्हारा जो जी चाहता है वो सोचो, वही समझो और वही कहो। क्या है? जुगनू के शोर, उसकी वफात हो गई। क्या रुपये, ये क्या कह रही हैं? आपने कोई ख्वाब तो नहीं देखा? हमसा काश मैंने ख्वाब देखा होता, यकीन नहीं आ रहा। किसने बताया आपको? पूरे मोहल्ले में खबर फैली हुई है, जवान मौत है ना यार। तो सोच के मेरे दिल को कुछ हो रहा है। जुगनू का क्या हाल होगा, हमारे सामने बड़ी हुई है। क्या ख्वाब देखे थे शादी करके, साल भी नहीं हुआ। हमजा बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना, हम लोग साथ जाएंगे। मैं कॉल करती हूँ। अच्छा मामा, रोना बंद करें आप।
देखिए सही सलामत आ तो गया हूं ना मैं, व्हाट्स रॉन्ग? अब तो इस तरह रो रही हैं जैसे कि पता नहीं। एक लफ्ज नहीं तैमूर, और कितना मेरा दिल दुखाओगे? आई लव यू। आपको पता मैंने आपको बहुत मिस किया है, सीरियसली। इसीलिए तो इतने महीनों से। नहीं, मैं जानता हूं कि मैं बहुत दिनों के लिए गया हुआ था। प्लीज स्टॉप क्राइंग, और अब ये मत शुरू कर दीजिएगा ये आपका वो दिन गिनना, महीने गिनना और आवर्स की काउंटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। मेरी जान, मुझे तो मिनट का भी हिसाब है जो मैंने तुम्हारे बगैर गुजारे। माय गॉड, सीरियसली तैमूर, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे पास हो। आपकी जो रोने की बार बार वीडियो कॉल जो आती थी, इसलिए मैं आया वापस ना, मेरा कोई खास इरादा नहीं था वापस आने का। अगर मुझे कुछ हो जाता तब भी नहीं आता। प्लीज स्टॉप विद द इमोशनल ब्लैकमेल, ये क्या है? अच्छा, यू नो, हम अक्सर अपने अच्छे वक्त को खराब करते थे बुरे वक्त के बारे में सोच के। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? सो प्लीज बी हैप्पी। आई एम सो हैप्पी, मेरा बेटा वापस आ गया है, और मुझे क्या चाहिए? प्लीज प्रॉमिस मी, अब तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। ओह मॉम, अगेन विद द इमोशनल ब्लैकमेल। तैमूर, प्रॉमिस मी। अच्छा अच्छा अच्छा, सो आई हैव टू गेट रेडी, आई हैव टू गो आउट। ठीक है, तो मैं जरा जाके फ्रेश होता हूँ, चेंज होता हूँ, फिर मैं निकल रहा हूँ, ठीक है ना? सो प्लीज स्टॉप क्राइंग एंड बी हैप्पी, या? हमजा, बेटा आज ऑफिस नहीं जाना, हम लोग साथ जाएंगे। उसने एक बार भी मेरी नाराजगी का नहीं सोचा, और अभी भी उसको सिर्फ जुगनू की फिक्र है। खुर्रम, प्लीज एक बार उठ जाओ, मेरी बात सुन लो, मुझे बात करनी है तुमसे, सिर्फ एक बार मेरे दिल की बात सुन लो। मैं आप बोले ना, प्लीज बोले कि एक बार मेरी बात सुन ले, उठ जा, थोड़ी देर के लिए ही उठ जा, वरना मैं मर जाऊंगी, मैं हर दिन मरूंगी, प्लीज।